इससे पहले कल पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। जयपुर में करतारपुरा नाले के पास धरने के दौरान सराफ ने कहा कि जब राज होता है तो कलम की ताकत से काम होता है, लेकिन जब राज नहीं होता तो जूते के जोर पर काम करना पड़ता है और हमें जूते के जोर पर काम कराना आता भी है। तो एक और ऐसा बयान जिसे सुनकर हर किसी को हैरानी होगी, क्योंकि कालीचरण सराफ जो है वो काफी सम्मानीय नेता माने जाते हैं, वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, और उनकी तरफ से ये बयान आना वाकई हैरान करने वाला है। अधिकारियों ने आकर के बताया कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 4000 स्क्वायर मीटर जगह जेडीए ने नगर निगम को अलॉट कर दी है। फाइल अप्रूवल के लिए मंत्री महोदय के पास गई हुई है। जैसे ही मंत्री महोदय की अप्रूवल आ जाएगी उसका काम भी हम चालू कर देंगे। ये दोनों हमारी समस्याएं थी और हमने ये कहा था कि जब राज होता है तो कलम की ताकत से काम होता है और जब राज नहीं होता तो संघर्ष के आधार पर जूते के जोर से भी हम काम करवाना जानते हैं। निगम के अधिकारियों ने आकर के हमें बताया कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 4000 स्क्वायर मीटर जगह जेडीए ने नगर निगम को अलॉट कर दी है। फाइल अप्रूवल के लिए मंत्री महोदय के पास गई हुई है। जैसे ही मंत्री महोदय की अप्रूवल आ जाएगी उसका काम भी हम चालू कर देंगे। ये दोनों हमारी समस्याएं थी और हमने ये कहा था कि जब राज होता है तो कलम की ताकत से काम होता है और जब राज नहीं होता तो संघर्ष के आधार पर जूते के जोर से भी हम काम करवाना जानते हैं।